27 मार्च को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को नागपुर मनपा ने तस के तस लागू किया है। गुरुवार 1 अप्रैल से शहर में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 39 में वाहनों की फर्जी आरसी बुक जारी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। यह सब अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत होने का अंदेशा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 16,086 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 2,885 नए मरीज मिले हैं। मृतकों की संख्या 58 तक पहुंच गई है। बुधवार को 1,705 मरीज डिस्चार्ज किए गए, जो कि पिछले दिनों की तुलना में अधिक है। इनमें होम आइसोलेट मरीज भी शामिल है। विद्यार्थियों की विविध समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नागपुर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रफुल्ल साबले का घेराव किया। 3 नाबालिगों ने एक ट्रैफिक हवलदार को मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। घटना वर्धमान नगर में दिनदहाड़े हुई। नाबालिगों के खिलाफ लकड़गंज थाने में सरकारी काम में दखलअंदाजी करने का मामला दर्ज किया गया है। छोटे बच्चों में दिखाई देने वाले कोरोना लक्षणों को गंभीरता से ले, ऐसी जानकारी नागपुर महानगर पालिका और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित फेसबुक लाइव में कही गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खेल कोटे के 22 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 23 जनवरी 2021 से शुरू की गई थी, जिसके तहत 18 पदों पर सफल प्रतिभागियों को नियुक्त किया गया है। बुधवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने सभी डॉक्टरों द्वारा वैद्यकीय या अन्य कारणों से ली गई छुट्टियों को रद्द करने और मरीजों को तत्काल दर्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 31 मार्च ईयर एंडिंग होने के कारण बुधवार की देर रात तक विभिन्न विभागों के बिलों का भुगतान होता रहा। करीब 3,959 लंबित बिलों का निपटारा किया गया।